माय फैमिली, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो मैयर में शारदा माँ के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, फिर हम लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी उसी दिन की रात की ट्रेन थी जबलपुर जाने की 9 बजे की, और 2-3 घंटे में हम लोग जबलपुर पहुँच गए थे। जबलपुर पहुँचने के बाद हम लोगों ने होटल अनमोल में चेक इन कर लिया था। मेरे मम्मी के मामा ने पहले से ही इसकी प्री बुकिंग करके रखी थी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे इसलिए उनके यहाँ पे रह नहीं सकते थे, मतलब जो मेरे नाना है उनके यहाँ पे रह नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने होटल में चेक इन किया और सबसे पहले हम लोगों ने रूम्स देखे। रूम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्लीन थे, एसी रूम थे, और इसके चार्जेस हमको 2 रूम के पड़े थे 1 डे 1 नाइट के 5,000 रुपीज़। इसमें खाना वगैरह इंक्लूडेड नहीं था, सो खाना जो है वो अलग से ऑर्डर करना पड़ रहा था। रूम्स तो सच में बहुत अच्छे हैं, हम डॉर्मेटरी में रुके हुए हैं। फिर रूम्स में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। खाने में हम लोगों ने शाही पनीर, दाल तड़का, जीरा राइस और प्लेन राइस और रोटी ऑर्डर करी थी, और थोड़ा सा सैलड ऑर्डर किया था। खाना खाने के बाद ना मैंने अपना स्किन केयर कर लिया था और फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और सुबह जल्दी भी उठना था। सुबह उठ गई थी मैं, थोड़ा सा लेट ही उठी थी, और एज़ यूजुअल मैं जैसे वॉकिंग करती हूँ रूम में, मैंने थोड़ी सी वॉकिंग कर ली और फिर हम लोग रेडी हो गए थे जबलपुर घूमने के लिए। चलते जबलपुर घूमने के लिए, ऑल सेट। होटल के बाहर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, मैंने भी क्लिक करी, लेकिन मेरा वीडियो नहीं बना है, और ये मेरी सिस्टर है। कार आ गई है लेकिन फ़ोटो शूट ही नहीं हो रहा है, ख़त्म। चलो अब जल्दी से बैठ जाते हैं। थकड़े घुटाए और जेंट्स वहाँ पर बैठ रहे हैं, एक यहाँ पर बैठा है, और हम सारे लेडीज इस वाली कार में बैठे हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है इसलिए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं यहाँ पर द्वारका स्वीट्स। हम लोग तो पहुँच गए थे लेकिन मेरी सिस्टर और मेरा कज़न ब्रदर नहीं पहुँचा था, क्योंकि वो लोग आ रहे थे बाइक से, और उनके पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता मिल रहा था। मैंने समोसा लिया था विथ सम दही चटनी एंड ग्रीन वाली चटनी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी यहाँ की। थोड़ा सा स्पाइसी भी था, जैसे मुझे पसंद होता है उसी तरीके का था ये स्पाइसी। हम अभी कचनार सिटी पहुँचे हैं, ये बहुत सुंदर मंदिर है, शिव जी का टेम्पल है यहाँ पर, और बहुत बड़ी मूर्ति भी है यहाँ पर। दिस इज द गेट ऑफ द टेम्पल, सुंदर टेम्पल है। ये है शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति। हम वहाँ पर भी जाएंगे पास में, वहाँ पर फोटोज वगैरह मैं क्लिक करूँगी। हम लोग नागपुर से आए हैं इसीलिए गुफा बंद रहने के बाद भी हम लोग को एंट्री मिलेगी अंदर, स्पेशली हमारे लिए वो गुफा में हम लोग को जाने दे रहे हैं, लेकिन गुफा का टाइम ना बंद होने का रहता है अभी इस टाइम। गुफा के अंदर ना वीडियो नहीं ले सकते थे इसलिए मैंने गुफा के अंदर फुटेजेस नहीं ली है ज़्यादा, सिर्फ एक ली है, वो भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं इसलिए, और यहाँ पर है शिव जी की वो बड़ी वाली मूर्ति। ये है शिव जी की बड़ी मूर्ति, ये मूर्ति 72 फीट की है, 72 फीट की मूर्ति है ये, बहुत सुंदर। पर बहुत सारे भगवानों की ऐसी छोटी छोटी सी मूर्ति बनी हुई है और बहुत सुंदर है ये भी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां है। अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि और हम लोग को जल्दी सब कुछ कवर करना है। आज रात की हमारी ट्रेन है तो हमको आज रात को नागपुर निकलना है, इसलिए सारे स्पॉट जल्दी कवर अप करके खत्म करना है। जबलपुर बस आज का दिन है घूमने के लिए। जैसा ही जादू आकांक्षा डांस क्लास
पक्का झालं मोठे पप्पाचे आणि पप्पाचे सर्वात आता सोबतच राहते ना नाही आता सारखं दिवसभर सोबतच राहते सोबत पिते की नाही दिमाग बी तसंच चालन की नाही मग त्या लोकांच्या आकांक्षा आवाज कुठं जाणार आहे इनका वोमिट का प्रॉब्लम है इसलिए बाइक से जा रहे थे बाइक ना मेरी सिस्टर को और ना मेरे कजन भाई को कार से बस से वोमिट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको बाइक हर जगह पे मिल जाती है जब हम लोग कुकड़ी खापा गए थे छिंदवाड़ा तब भी उनको एक्टिवा मिल गई थी और अभी हम जबलपुर में आए हैं तब इन लोग को यहाँ पे बाइक मिल गई मतलब कोई ना कोई तरीके से उनका अरेंजमेंट हो ही जाता है उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ये दूसरी वाली कार है हमारी जो आगे गई भेड़ाघाट और धुआंधार बस आने वाला है आपने स्पॉट के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा जबलपुर से ये थोड़ी दूरी पे है बहुत ज़्यादा पास नहीं है हम जहाँ पे रुके थे हम प्रॉपर सिटी में रुके थे तो वहाँ से ये थोड़ी दूरी पे है मार्बल्स की शॉप हम पहुँच गए हैं धुआंधार और भेड़ाघाट तो बहुत ज्यादा सुंदर आर्ट है मार्बल की आर्ट है ये हाँ पापा वगैरह चाय पी रहे हैं तो हम लोग तब तक है ना मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर मार्केट है बहुत सारी चीजें यहाँ अभी बोटिंग करने जा रहे हैं ये मार्केट ना सही में बहुत ज्यादा सुंदर है ये नर्मदा नदी है यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं भेड़ाघाट पहुंचने के बाद हम लोग अब बोटिंग कर रहे थे अपना थोड़ा बहुत बार्गेन करना इन लोगों से क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं टूरिस्ट को देख के तो बार्गेन करना मत भूलना बोटिंग कराते टाइम ये लोग बहुत अच्छी कमेंट्री करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और उस कमेंट्री के साथ ये वाला व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है पानी में हाथ कोई नहीं डालेगा पानी में हाथ कोई भी नहीं डालेगा क्योंकि हाथ गीला हो जाता है बोटिंग करते टाइम जो कमेंट्री होती है उसका वीडियो आपको चाहिए होगा भेड़ाघाट का तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी बोटिंग करने के बाद हम लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर करना और शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे थे धुआंधार के लिए सो ये पार्ट वन है जिसमें हम लोगों ने भेड़ाघाट कवर किया पार्ट टू में हम लोग चलेंगे धुआंधार जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है सो स्टे ट्यून बाय बाय